नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे खुश होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे दोस्तों एक नया टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में और मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों अगर आप अपने बीते हुए वर्षों के पेपर्स जो एन या आर के जो बाकी भी एग्ज़ाम्स लोको पायलट जैसे दूसरे एग्जाम्स भी हैं तो रेलवे ज्यादा फोकस तो इस टॉपिक पर नहीं करता कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है परंतु जब सिलेबस में है तो क्या पूछेगा और क्या नहीं ये शायद जादू से पता लगा पाना आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मुश्किल है तो जो भी है पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे दो दिन आपसे लूँगा दोस्तों मैं पूरा ऑब्जेक्टिवली आपको कराऊंगा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पहुँचूँगा कि कोई चीज़ आई कहाँ से है एग्ज़ाम में आंसर कैसे देना है केवल उस पर फोकस करते हुए इस पूरे टॉपिक को दो दिन में ख़त्म करने का प्रयत्न करूँगा और आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो ये कोशिश ज़रूर दोस्तों सफल हो जाएगी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बेसिक शायद एक ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दीपक संपत मदन नरेंद्र दिनेश बी आर जाट पप्पू कुमार राकेश मोनू राज कौशिक नंदलाल मोनू प्रजापत राकेश कुमार अभि वर्मा कमलेश अटल कृष्ण तनिष्क गहलोत दीपक सुड्डू राज अटल बिहारी देखो आलिया भट्ट भी आपके साथ इस वक्त लाइव है दोस्तों तो आलिया भट्ट को भी अब शर्मिंदगी महसूस होने लग गई है कि मेरे नाम से इस क्लास में बहुत मजाक उड़ता है तो दोस्तों आज से वो भी हमारी हर क्लास लाइव देखेगी और उसकी इच्छा है कि जितने लोग लाइव देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं अभी लगभग दो लोग लाइव हो चुके हैं परंतु अभी तक जो है केवल छः समथिंग लाइक्स हुए तो सब लोग बराबर लाइक कर देना दोस्तों नहीं तो आलिया भट्ट जैसा हाल आपका भी जीवन में हो जाएगा ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हैं घड़ी क्लॉक और दोस्तों आ, इस टॉपिक की अगर बात करूं दो मिनट लूंगा थोड़ा कुछ बताने के लिए इस टॉपिक को दोस्तों कुछ चार पांच टाइप के क्वेश्चंस में आप बांट सकते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो एंगल वाले क्वेश्चंस हैं यानी कोण वाले क्वेश्चंस हैं इसी में तीन टाइप के क्वेश्चंस छुपे हैं पर जो पहला हिस्सा है क्लॉक का वो है एंगल्स वाला उसके बाद दो बहुत छोटे छोटे इसके हिस्से हैं दोस्तों है मिरर इमेज और वाटर इमेज मिरर एंड वाटर इमेजेस और लास्ट में है खराब घड़ी फॉल्टी क्लॉक्स ये तीन हिस्से दोस्तों हमने इस टॉपिक के कर दिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो एंगल्स वाला है आज की क्लास में एंगल्स वाले हर चीज़ को मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा परंतु जो सबसे पहला क्वेश्चन एंगल पे बनता है वो ये बनता है कि आपको कोई टाइम दे दिया और उस टाइम पर घड़ी के दोनों काटे कौन कौन से काटे आर हैंड और मिनट हैंड घंटों वाला काटा और मिनट वाला काटा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है सबसे पहली बात ये बनती है दोस्तों वैसे तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले Uh, को आप अप्लाई करेंगे और आपको हर बार आंसर मिल जाएगा परंतु फिर भी एक जरा सा बेसिक जान लेते हैं दोस्तों आपकी घड़ी में एक तो होता है घंटों वाला कांटा जिसे आर हैंड ऑफ क्लॉक कहा जाता है घंटों वाला कांटा छोटा कांटा भी कह सकते हो और एक होता है मिनट वाला काटा यानी मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कौन सा हैंड दोस्तों मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक यानी मिनट वाला कांटा दोस्तों मेरे ख्याल में इस उम्र तक तो आलिया भट्ट को भी घड़ी देखनी आती है तो आपको भी घड़ी देखनी आती होगी आपकी घड़ी में दोस्तों जो दो कांटे हैं उनमें से एक की लेंथ थोड़ी छोटी होती है और एक की लेंथ थोड़ी लंबी होती है जो कांटा थोड़ी छोटी लंबाई का होता है वो कांटा घंटों वाला कांटा कहलाता है एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर ये एग्जैक्टली exactly 12 पे है तो ये दोबारा 12 पे घूमकर कितनी देर में लौटेगा तो आप कहेंगे सर एक घंटे बाद एक पे आएगा दो घंटे बाद दो पे आएगा तीन घंटे बाद तीन पे आएगा तो 12 घंटे बाद घूम के वापस ओरिजिन पर यानी वापस अपने मूल स्थान पर चला जाएगा यानी एक चक्कर काटने में उसको 12 घंटे लगते हैं दोस्तों एक चक्कर को ज्योमेट्री के अनुसार 360 डिग्री कहते हैं यानी मैं घंटों वाले काटे के बारे में कह सकता हूं कि वो 12 घंटे में 360 डिग्री 360 डिग्री कवर करता है दोस्तों अगर 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है तो एक घंटे में कितना करेगा अपॉन ट्वेल्व करके देखोगे तो थर्टी डिग्रीज पर आर दोस्तों एक घंटे में तीस एक घंटे में तीस डिग्री ये टर्न करता है मतलब अगर घंटों वाला कांटा बारह पे है तो बारह से जब वो एक पे गया तो उसने कितने डिग्री रोटेट किया उसने थर्टी डिग्रीज रोटेट किया एक से दोबारा से थर्टी डिग्रीज और थर्टी डिग्रीज और थर्टी डिग्रीज तो दोस्तों मुझे बताओ कि आपकी जो घड़ी है वो बारह से एक पे ऐसे सडनली आती है या पूरे एक घंटे में धीमे 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 घूम घूम कर आती है आप कहेंगे सर धीमे धीमे होते हुए आती है यानी अगर एक घंटे में तीस डिग्री चलती है एक घंटे का मतलब साठ मिनट होता है तो तीस डिग्री को साठ मिनट में अगर डिवाइड करेंगे तो आधा डिग्री पर मिनट वो रोटेट करती है हालांकि दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें शायद इन पर्टिकुलर्स की जरूरत आपको ना पड़े पर पता होना चाहिए इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में वैसे ही दोस्तों मिनट वाला कांटा अगर बारह पे है तो मिनट वाला कांटा बारह पे कब होता है सर हर घंटे में होता है बारह बजे भी वो बारह पे होता है एक बजे भी वो बारह पे होता है तीन बजे भी वो बारह पे होता है सात बजे भी वो बारह पे होता है यानी वो एक घंटे में पूरे तीन डिग्री कवर कर लेता है दोस्तों एक घंटे में एक घंटे में 360 डिग्री एक घंटा मतलब 60 मिनट तो 360 सौ साठ अपॉन साठ यानी छिग्री पर मिनट वो रोटेट करता है जो चीजें मैंने बॉक्स में बना रखी हैं वो आपको भी बॉक्स में ही रखनी है अब दोस्तों मैंने आपसे कहा क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है क्योंकि इस बैच को मैं जल्दी खत्म करके बहुत सारे मॉडल पेपर्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूं तो मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें विद रीजन तो नहीं बताऊंगा परंतु घड़ी के दोनों कांटों के बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है ग्यारह इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे आपको याद रखना होता है कोई भी समय दे दूं जैसे पांच बजकर चालीस मिनट दो बजकर दस मिनट सात बजकर पैंतीस मिनट जो भी टाइम दे दूं उसमें एक एच यानी घंटों की वैल्यू होगी और एक मिनट की वैल्यू होगी जब आप यहाँ रखोगे तो आपको दोनों कार्टों के बीच का एंगल मिल जाएगा क्या क्या परेशानियाँ होंगी वो आपको विथ क्वेश्चन बताऊँगा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है काम तो नहीं आएगा फिर भी लिख लो और ये तो पक्का लिख लेना क्योंकि दोस्तों यही रामबाण है इसी से आंसर देने हैं ये फार्मूला कहाँ से आया अगर कोई जानना चाहता है तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख के सर्च कर सकता है जहाँ पे बहुत एम्पल समय था तब तो मैंने ये बताए हैं परंतु अभी आपके पास ये समय नहीं है कि मैं फॉर्मूला बना कैसे यह आपको बताऊं सिर्फ इसको लिख लो और इससे आपके सारे काम निपट जाएंगे राम सिंह यादव कुलदीप गर्ग आर जे जिंगर राम राजकुमार मुंड अनिल सैनी दिलीप विक्की साजिद तौकीर विकास पूजा राम सिंह चेतना सुरेश अजय रोहित विकास रामकुमार शुभम कैलाश विक्की अजीत सबको एक बार फिर से गुड आफ्टरनून नमस्ते राम राम राधे राधे जय हिंद जय जै भारत आदाब सस्रिया काल फटाफट से कर लो सारे क्वेश्चन नहीं तो बुरे हो जाएंगे तुम्हारे हाल अभी दोस्तों तो आगे बढ़ रहा हूं ये फॉर्मूला आपने लिख लिया अब आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा जस्ट देखें उसे है ना क्वेश्चन आएगा फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ दी हैंड्स बोथ दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट फोर्टी मिनट्स पास्ट फोर चार बजकर चार बजकर चालीस मिनट पर घड़ी के दोनों कांटों घड़ी के दोनों काटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा अब दोस्तों ये आपका प्राइमरी क्वेश्चन बन सकता है और अगर मान लो एग्ज़ाम में घड़ी के क्वेश्चन आने की सौ पॉसिबिलिटी है तो सौ में से अस्सी परसेंट पॉसिबिलिटी इसी टाइप के क्वेश्चन की आने की है मतलब ये आप करना जानते हो समझ जाओ कि लगभग शायद जो घड़ी का क्वेश्चन आने वाला है वो आप कर लोगे इसके अलावा बहुत से तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की क्लास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपको लगातार बने रहना पड़ेगा दोस्तों अब इसके लिए हम तो सीधा फॉर्मूला जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं कि एंगल की वैल्यू होती है 11 इंटू मिनट माइनस सिक्सटी इंटू आवर्स माइनस आठ इंटू घंटे अपॉन दो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना यहां पे मुझे बताओ आपको टाइम क्या दिया है चार बजकर चालीस मिनट फोर्टी मिनट पास्ट फोर ध्यान से सुनिए चार बजकर चालीस मिनट यानी घंटों की वैल्यू चार है और मिनट की वैल्यू चालीस है जब आप यहां रखेंगे तो ग्यारह इंटू चालीस माइनस साठ इंटू घंटे बटा दो कर लो तो ग्यारह इंटू चालीस चार सौ चालीस और साठ इंटू चार दो सौ चालीस अपौन दो चार सौ चालीस माइनस दो सौ चालीस दो सौ अपॉन दो यानी हंड्रेड डिग्रीज आपका करेक्ट आंसर है अब ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जहां पे ये फॉर्मूला काम ना करता हो चाहे कोई भी वैल्यू दे दी जाए कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए आपको इस फॉर्मूले में रखना है और कोई माइका लाल ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जो आपके इस फॉर्मूले से आपके आंसर को गलत कर दे प्रॉब्लम्स का आएंगी ये थर्टी सेकेंड्स बाद डिस्कस कर रहा हूँ जिसको लिखना है वो फटाफट से कॉपी करता रहे एक बात बताओ लगभग छत्तीस लोग लाइव हैं और उसके आधे अट्ठारह भी लाइक्स नहीं है तो लाइक पूरे होने चाहिए दोस्तों दिन भर सारा उत्कर्ष आपके लिए मेहनत करता है तो आपको एक लाइक जितना कष्ट तो उठा लेना चाहिए समझ में आया क्वेश्चन की लैंग्वेज मत लिखो चार बजकर चालीस मिनट से वित्ता लिख लो, 440 पे एंगल। इतना सा लिख लो ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन में आपको देंगे ना ये तो तरीका है क्वेश्चन देने का एनी अब आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई है दोस्तों तो आपसे मैं दो तीन वैल्यूज रख के पूछना चाह रहा हूं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं छ बजकर पचास मिनट छ बजकर पचास मिनट पे एंगल बताओ क्वेश्चन दे रहा हूं दो बजकर दस मिनट पे एंगल बताओ क्वेश्चन दे रहा हूं आ, तीन बज के पैंतीस मिनट पे एंगल बताओ और लास्ट दे रहा हूं एक बज के या दस बज के दस मिनट पे एंगल बताओ ये चार क्वेश्चंस आपको करने पांचवा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा एंगल निकालने वाले में और इसमें जो जो कठिनाइयां है वो सारी आपके सामने आ जाएंगी अब आप जब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना गाइस तो आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए क्या आप मन ही मन में कर सकते हो ग्यारह इंटू मिनट इलेवन इंटू फिफ्टी फिफ्टी फाइव फिफ्टी माइनस साठ इंटू छ तीन सौ साठ साढ़े पाँच सौ माइनस तीन सौ साठ कितना होता है एक सौ नब्बे एक सौ नब्बे अपॉन दो कर लो आपको मिल जाएगा पंचानवे डिग्री नाइन्टी फाइव डिग्री इज दी करेक्ट आंसर है ना अभी ये राकेश क्या पूछ रहा है सर आ, सर जी घंटे से मिनट में जाने और मिनट से घंटे की सुई में जाने पर कौन अलग अलग होगा क्या अरे ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ऐसा ठीक है घंटे से मिनट या मिनट से घंटे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी समझाऊंगा। भाई फार्मूला डालोगे 11 इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन दो ग्यारह इंटू पचास पाँच सौ पचास माइनस साठ इंटू छः तीन सौ साठ अपॉन टू यानी 190 नाइन्टी अपॉन टू यानी 95 फाइव डिग्रीज इज़ दी करेक्ट आंसर 95 फाइव डिग्रीज इज दी करेक्ट आंसर बोल रहे हैं दो दस पे एंगल बताओ 11 इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन दो दोस्तों 11 110 सौ माइनस एक करोगे 110 सौ माइनस एक करोगे आपको लग रहा होगा सर ये आंसर माइनस में आ रहा है दोस्त माइनस में आ रहा हो या प्लस में आ रहा हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर माइनस में भी आ रहा हो तो उस माइनस को इग्नोर कर दो क्योंकि कुछ किताबों में जैसे मैंने आपको लिख के दिया है ग्यारह इंटू मिनट माइनस सिक्सटी इंटू आवर्स कई किताबों में लिखा है सिक्सटी इंटू आर्स माइनस ग्यारह इंटू मिनट मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि दो कंपोनेंट्स हैं ग्यारह इंटू मिनट और साठ इंटू घंटे अगर यह बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाओ और यह बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाओ यह पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे आप एक ही चीज याद रखिए ग्यारह इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन टू आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो उस नेगेटिव को इग्नोर कर देना जैसे 110 सौ दस माइनस एक माइनस दस आ रहा है पर उस माइनस दस को इग्नोर कर दो सिर्फ 10 लिखो और आपका फाइनल आंसर दोस्तों कितने डिग्री आ जाएगा पांच डिग्री आ जाएगा ठीक है यहां देखो तीन पैंतीस पे एंगल ग्यारह इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन टू ग्यारह इंटू पैतीस तीन सौ पिचासी माइनस एक सौ अस्सी अपॉन टू इससे आपको मिलेगा 205 सौ पांच अपॉन दो यानी 102.5 डिग्री हा या ना अरे इस उम्र में दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करना तो आ सकता है ना जब आपने एक फॉर्मूला देख लिया कि ये फार्मूला होता है अब जब ये फॉर्मूला है तो उसमें वैल्यू एम की और एच की अलग अलग रखनी है अगर इसमें भी दिक्कत है तो फिर इस जीवन का मतलब ही क्या है दोस्तों ऋषिकेश चले जाओ हरिद्वार चले जाओ और मजे से मैं तो कह रहा हूँ पहाड़ों में बैठकर दोस्तों प्रकृति का आनंद लो क्योंकि इस साल का एग्जाम तो आपके लिए नहीं बना अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ जय श्री राम अमन कुमार रोशन कुमार आंसर करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पवन ठीक है वेरी नाइस चलिए अच्छा आगे देखो भाई दस दस पे एंगल अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आगे स्टार लगा रहा हूं इकलौती चीज है जो बताने योग्य है वो क्या है जरा ध्यान से सुनना भाई दस दस पे एंगल ध्यान से सुनो दस दस कैसा दिखेगा दस दस ऐसा दिखेगा आप एक चीज नोट करो आप हर समय पर घड़ी के दोनों कांटों के बीच में दो एंगल दे सकते हो यहां पे भी देखो दो एंगल दे सकते हो हाँ या ना वो दो एंगल कौन कौन से होंगे दस दस पे एंगल आपसे पूछा है ग्यारह इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन दो एक सौ दस माइनस छः सौ अपॉन दो यानी चार सौ नब्बे अपॉन दो यानी दो सौ पैतालीस डिग्री मतलब दोस्तों ये टू फोर्टी फाइव डिग्री है मतलब ये 245 डिग्री है पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है और सही बात बता रहा हूँ कि जब आपके एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा आती है जैसे ये 95 आया है बिल्कुल करेक्ट है ये 5 डिग्री आया है बिल्कुल करेक्ट है ये 102.5 डिग्री आया है बिल्कुल करेक्ट है उसी तरह करेक्ट तो 245 भी है पर 245 मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको आंसर क्या देना पड़ेगा आपको ये रिफ्लेक्स एंगल ये वृहत कोण आंसर देना पड़ेगा मुझे बताओ ये टोटल एंगल सेंटर पे टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है 360 में से अगर ये 245 है तो ये ऊपर वाला एंगल दोस्तों कितने डिग्री हो जाएगा आप कहेंगे सर 360 सौ माइनस दो डिग्री यानी 115 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा मुझसे पूछता है सर ये दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो अगर 115 भी ऑप्शन में मिल जाए और ये 245 भी ऑप्शन में मिल जाए तो क्या करें पहली बात तो ऐसा होगा नहीं गाइस क्योंकि अगर आपसे पूछा कि आंसर दीजिए तो वो दो सेम आंसर क्यों ऑप्शन में देंगे पर अगर फिर भी सपोज करो एग्जामिनर के जज जाए और वो आप लोग को मूर्ख और गधा समझे और फिर भी वो 245 और 115 दोनों ऑप्शन में दे दे तो ये आपका आंसर मोर करेक्ट माना जाएगा मतलब आपका ये आंसर ज्यादा उचित और ज्यादा उत्तम माना जाएगा यानी अगर 100 180 से बड़ा वैल्यू आ रहा हो तो जो रिफ्लेक्स एंगल एक से छोटा वाला होगा वो बेटर आंसर है आंसर तो ये भी करेक्ट है पर बेटर आंसर मोर करेक्ट जो है वो 115 डिग्री है समझ में आ रही है बात या नहीं ओके वेरी नाइस चलिए सर खराब घड़ी वाले प्रश्न जरूर बताना चंद्र प्रकाश बिल्कुल बताऊंगा खराब घड़ी की बारी कल आएगी आज अपनी घड़ी सही सही चलती रहेगी कल अपनी घड़ी खराब करेंगे और उसका इलाज करेंगे क्लियर है परंतु आज की क्लास में एंगल वाले ही सब कुछ निपटाऊंगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना ये आपको समझ में आ गया मुझे लगता है कि इस छोटी सी बेकार सी चीज पे इससे ज्यादा समय दूंगा तो नुकसान आपका है क्या मैं आगे बढ़ जाऊं एक बार कमेंट करके बताना सब लोग हैं जेफ बॉय आकांक्षा चंदर विष्णु नीतू आगे बढ़ जाऊं ना आगे बढ़ जाऊं गाइस ठीक है यस चलिए आगे बढ़ता हूं सुनो अब ध्यान से अब मजेदार चीज ला रहा हूं टकाटक तक आंख खोलकर लगातार देखोगे ना तो बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं और एग्जाम में अक्सर जब ट्विस्ट इस टॉपिक के थ्रू एग्जामिनर डालने की सोचता है तो अब जो आप अगले पंद्रह मिनट में पढ़ने वाले हो उसका क्वेश्चन बन सकता है किसके क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान से सुनना स्पेशल एंगल्स स्पेशल एंगल्स अब दोस्तों विशेष कोण अब आपने देखा 102 डिग्री का भी एंगल बना 5 डिग्री का भी एंगल बना 50 डिग्री का भी एंगल बन सकता है 100 डिग्री का भी एंगल बन सकता है यानी एक से लेकर 360 का कोई भी एंगल बन सकता है पर फिर भी जब आप घड़ी पढ़ते हो तो स्पेशल एंगल्स विशेष कोण किन्हें कहा जाएगा विशेष कोण कहा जाएगा जीरो डिग्री को एक डिग्री को और नब्बे डिग्री को इन्हें दोस्तों विशेष कोण का यानी स्पेशल एंगल्स का दर्जा प्राप्त हो चुका है अब इनके बारे में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है बताओ आज सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक कितनी बार दोनों कांटों का एंगल जीरो डिग्री होगा या कितनी बार दोनों कांटों का एंगल एक सौ अस्सी डिग्री होगा इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन छोटी सी चीज़ रट लेते हैं उससे पहले दोस्तों सबसे पहले ज़ीरो डिग्री की बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं जीरो डिग्री की बात कर रहा हूं जीरो डिग्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फिर क्वेश्चन पर आता हूं गौर से देखना जीरो डिग्री के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है पहली बात तो बताओ जीरो डिग्री को किन वर्ड्स में यूज कर सकते हैं दोनों कांटे मिलते हैं दोनों कांटे मिलते हैं बोथ हैंड्स मीट मीट अदर बोथ हैंड्स मीट अदर। दोनों काटे मिलते हैं मीट इच अदर का मतलब जीरो डिग्री की बात चल रही है जीरो डिग्री मतलब बीच में गैप ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं अरे हाँ या ना वेरी नाइस। nice. और क्या कहा जा सकता है को इन करना कहा जा सकता है यानी अतिव्यापित होना कहा जा सकता है मिलना कहा जा सकता है अतिव्यापित कहा जा सकता है मीटिंग ईच अदर और को इन साइड अदर एक ही बात है अच्छा दोस्तों जीरो डिग्री का जो एंगल है जीरो डिग्री का जो एंगल है वो घड़ी के दोनों कांटों का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर हुए मिले हुए हुए जीरो डिग्री का जो एंगल है दोस्तों वो हर घंटे में एक बार बनता है हर घंटे में एक बार बनता है अब ध्यान से सुनना दोस्तों जीरो डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनता है अगर हर घंटे में एक बार बनता है तो दो घंटे में दो बार पांच घंटे में पांच बार छह घंटे में छह बार दस घंटे में दस बार बारह घंटे में बारह बार बनना चाहिए परंतु बारह घंटे में बारह घंटे में ग्यारह बार ही बनता है मन में आ सकता है कि सर हर घंटे एक बार तो पांच घंटे में पांच बार आठ घंटे में आठ बार दस घंटे में दस बार बारह घंटे में बारह बार बनना चाहिए ग्यारह बार क्यों बन रहा है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं जरा ध्यान से सुनना बारह से एक बजे बारह से एक बजे के मध्य के बीच में दोनों कांटे नहीं मिलते दोनों कांटे नहीं मिलते कैसे ध्यान से सुनना देखो ग्यारह बजिए कितनी बजिए ग्यारह तो ग्यारह बजे बड़ा वाला काटा घूम के इससे मिलने आया पर तब तक ये ग्यारह पचपन हो चुके हैं तो दोनों कांटे कब मिले एग्जैक्ट बारह बजे मिले ग्यारह बजे के बाद दोनों कांटे कब मिले एग्जैक्ट बारह बजे मिले तो बारह बजे मिलना ग्यारह से बारह में काउंट हो गया उसके बाद जब बड़ा वाला कांटा दोनों एक दूसरे के ऊपर है बड़ा वाला कांटा घूम के दोबारा एक बजे बारह पे आएगा तब तक छोटा वाला कांटा एक पे पहुंच चुका है और इस एक घंटे में दोनों कांटे दोबारा नहीं मिल रहे तो इसलिए हम कहते हैं कि 12 घंटे में वो ग्यारह बार ही मिल पाते हैं और दोस्तों 12 घंटे में 11 बार मिल पाते हैं तो 12 का डबल एक दिन 24 घंटा में 11 बार नहीं बनेगा 22 बार जीरो डिग्री का एंगल बनेगा इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि अब जो क्वेश्चन डालूंगा उसमें यह सब काम आएगा घंटा दोनों कांटे जीरो डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनाते हैं हर घंटे में कितनी बार बनाते हैं गाइस हर घंटे में एक बार बनाते हैं अब हर घंटे में एक बार तो बारह घंटे में बारह बार होना चाहिए पर बारह बार नहीं होता ग्यारह बार होता है 12 घंटे में 11 बार तो एक दिन यानी 24 घंटे में 11 का डबल 22 बार बनेगा जीरो डिग्री का एंगल और 12 से एक बजे के बीच में दोनों कांटों के बीच में जीरो डिग्री का एंगल नहीं बनेगा यह पॉइंट आप फटाफट से लिख सकते हो तो फटाफट से लिख लो नहीं तो क्लास के बाद में लिख लेना क्लियर है क्लास के बाद में लिख लोगे चलेगा क्या है यस बिल्कुल सही लिखा है अमनराज प्रजापति तुमने हम्म आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन डालूंगा दो क्वेश्चन डालूंगा और दोनों आपको समझ में आ जाएंगे यहां तक क्लियर है यह याद रख लो कि 12 से 1 बजे के बीच में दोनों काटे काटों का जीरो डिग्री का एंगल नहीं बनता अभी क्वेश्चन कैसा आएगा जरा गौर से सुनिए क्वेश्चन आएगा आज सुबह नौ बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे कितनी बार मिलेंगे हाउ मैनी टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स फ्रॉम नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग To six o'clock in the evening, will both the hands meet each other? दोस्तों अब इसको थोड़ा तसली से करना जल्दबाजी में करोगे तो खोटा करोगे तसली से कैसे करना ध्यान से सुनना बोला आज सुबह नौ बजे से लेकर शाम छः बजे तक जो मेरे फुर्ती वाले दोस्त हैं वो जानते हैं कि सर ये नौ घंटे का फ़र्क है पर दोस्तों आप हमेशा इस तरह के टाइम को थोड़ा टुकड़ों में कीजिए कैसे ज़रा ध्यान से सुनना सुबह नौ से शाम को छः है तो सुबह नौ से दोपहर के बारह और दोपहर के बारह से शाम के छः ये हो गया छः घंटे और ये हो गया तीन घंटे अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आपसे बोला कितनी बार मिलेंगे? Meet each other, मतलब बात चल रही है जीरो डिग्री की। जैसे ही आपको पता चला कि जीरो डिग्री की बात चल रही है जीरो डिग्री के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में घूमने लगे कि जीरो डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनता है बारह घंटे में ग्यारह बार बनता है एक दिन में बाईस बार बनता है और कब नहीं बनता है 12 से एक बजे के बीच में नहीं बनता है गाइस ध्यान से सुने मुझे बताओ जीरो डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार तो तीन घंटे में हर घंटे में एक बार तो तीन घंटे में तीन बार हर घंटे में एक बार तो छह घंटे में छह बार मतलब नौ घंटे में नौ बार बनेगा पर शर्त यह है के जो एक्सेप्शन जो अपवाद मैंने आपको बताया ज़ीरो डिग्री का कि वो बारह से एक बजे आप दोनों काटे नहीं मिलेंगे वो उस ड्यूरेशन में ना आए ज़ीरो डिग्री में एक्सेप्शन क्या है दोस्तों बारह से एक आप मुझे ये बताओ क्या नौ से बारह में क्या नौ से बारह में बारह से एक आया क्या नौ से बारह में बारह से एक आया आपने कहा नहीं आया तो ये तीन बिल्कुल करेक्ट है क्या बारह से छ में क्या बारह से छ में बारह से एक आया आपने कहा सर बारह से 6 में बारह एक दो तीन हाँ सर बारह से एक आया तो दोस्तों क्योंकि इन छह घंटों में एक एक्सेप्शन है तो छ नहीं होगा छ माइनस एक पांच होगा यानी तीन प्लस पांच टाइम्स आपका करेक्ट आंसर होगा पूरे नौ घंटे नहीं होगा अगर इस क्वेश्चन को मुझे डिफिकल्ट करना है तो मैं आज सुबह नौ से कल आज सुबह नौ से तीन चार दिन बाद का कोई टाइम ले लूंगा मतलब ये तो आज सुबह नौ से आज ही शाम की छह है मैं आज सुबह नौ से दो दिन बाद की शाम की पांच बजे भी ले सकता हूँ डिफिकल्ट सिर्फ ये हो सकता है उसे करूंगा एक बार जरा क्वेश्चन को दोबारा से घूर लो आज सुबह नौ बजे यानी नाइन ए एम से शाम को 6 बजे यानी सिक्स पी एम पर दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे विल मीट ईच अदर मतलब जीरो डिग्री की बात चल रही है और जीरो डिग्री में बारह से एक का अपवाद होता है दोस्तों हर घंटे में एक बार मिलेंगे तो तीन घंटे में तीन बार और छः घंटे में छः बार ये तीन घंटे तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि नौ से बारह में बारह से एक वाला टाइम नहीं आया पर 12 से 6 में तो 12 से एक वाला टाइम आया ना तो ये तीन तो पूरा करेक्ट है पर इस 6 में से आपको एक कम करना पड़ेगा क्योंकि एक एक्सेप्शन वाला घंटा आ गया तो पांच और तीन को जोड़ा आठ इज योर करेक्ट आंसर यस एट इज द करेक्ट आंसर छ सीताराम पूछ रहा है सर छह बजे के बाद क्यों मिलेगा छह बजे के बाद कहा मिलवा रहा हूं शाम को छह बजे तक ही तो मिलवा रहा हूं यार है ना <coughs> शाम को छह बजे तक ही मिलवा रहा हूं शाम को 6 बजे तक का ही बोला है आपको ये पॉइंट याद है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कोई लफड़ा ही नहीं है ठीक है आगे बढ़ू क्या अरे आगे बढ़ जाऊं क्या बारह से एक सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम होता है ना इसलिए बारह से एक दोनों कांटे नहीं मिलेंगे बारह से एक लॉकडाउन लगाए धारा एक लागू है ठीक है दोस्तों हाँ एक और क्वेश्चन देखिए सोमवार शाम सात बजे से गुरुवार प्रातः ग्यारह बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे हाउ मैनी टाइम्स विल बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट ईच अदर फ्रॉम सेवेन ए एम मंडे टू टू थर्सडे इलेवन ए एम दोस्तों थोड़ा संयम रखना और ढंग से टुकड़े करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जितना लंबा टाइम दिया है पहले उसे 24 फोर आवर्स में ब्रेक करो जब वो 24 फोर आवर्स में ब्रेक होना बंद हो जाए तो 12 आवर्स में ब्रेक करो और फिर जब वो 12 आवर्स में भी बंद ब्रेक होना बंद हो जाए तो फिर ये छुट्टा घंटा पांच घंटा चार घंटा बचेगा जरा क्वेश्चन को देखो मंडे शाम सात बजे यानी मंडे सेवन पीएम मंडे सेवन पीएम ये सेवन पी है गाइस मंडे सेवन पीएम और आपको जाना है थर्सडे सुबह ग्यारह बजे थर्सडे थर्सडे सुबह ग्यारह बजे मुझे बताओ चौबीस घंटे हो गए या चौबीस घंटे से कम का समय है आप कहोगे सर मंडे से थर्सडे चौबीस घंटे तो कई बार हो गए अच्छा सेवन पी एम से ट्यूसडे सेवन पीएम एक दिन हो गया ट्यूसडे सेवन पीएम से, पी से वेंसडे सेवन पीएम एक और दिन हो गया और सिर्फ इन चारों के को चिंता करनी है बाकी एक दिन में दोनों कांटों का मिलना कितनी बार लिखवाया है जो क्वेश्चन, जो नोट्स लिखवाए थे एक दिन में कितनी बार मिलते हैं 22 बार तो आपको उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है कि वो 7 पीएम से 7 पीएम है या 6 पीएम से 6 पीएम है या कोई भी एक दिन है दोस्तों अगर एक दिन हो गया है तो उसमें बिना टेंशन के 22 बार होगा लिख लो कोई भी एक दिन है बाईस बार कोई भी बारह घंटे है ग्यारह बार इकलौता टेंशन लेना है छुट्टे का चार घंटे आठ घंटे पांच घंटे सात घंटे जब ये छुट्टा बचेगा उसी का टेंशन है अब जरा सोचो कि इन चार घंटे में वैसे तो चार बार मिलते हैं पर ये चार बार करेक्ट तभी होगा जब कोई एक्सेप्शन ना आए क्योंकि आपको मिलेंगे का मतलब मीट ईच अदर का मतलब जीरो डिग्री होता है और जीरो डिग्री में एक्सेप्शन है बारह से एक बजे का अगर ये बारह से एक वाला घंटा दोस्तों आपके बीच में आया तो आपको उसका एक कम करना पड़ेगा मुझे बताओ सुबह सात से ग्यारह के बीच में बारह से एक आया क्या सुबह सात से ग्यारह के बीच में बारह से एक आया क्या आप बोलोगे नहीं आया सर तो ये चार करेक्ट हुआ ना इसको तीन नहीं करोगे समझ में आ रहा है ओके तो बाईस प्लस बाईस फोर्टी फोर फोर्टी फोर प्लस ग्यारह फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस फाइव फिफ्टी फाइव प्लस फोर फिफ्टी नाइन इज द करेक्ट आंसर उनसाठ बार ऐसा हो जाएगा फटाफट से कॉपी कर ले मेरे दोस्त अगर कुछ कॉपी करना है तो टॉकिर योर आंसर इज करेक्ट मनोज का आंसर भी करेक्ट है ममता का आंसर अनु राकेश का आंसर करेक्ट है नीरज गोथवाल कह रहा है सर क्लास रुक गई भाई सिर्फ तुम्हारी रुक गई है ठीक है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पर होगी जरा चेक करो लवप्रीत सिंह कह रहा है सर रिपीट कर दो अरे मैंने तो पहली बार ही कंप्लीट नहीं किया था उससे पहले ही तुमने कमेंट कर दिया रिपीट कर दो रिपीट कब करते हैं पहली बार होने के बाद करते हैं ना तुम पहली बार तक तो पूरा आ, फोकस करके देखते फिफ्टी नाइन इज द करेक्ट आंसर कौशल्या पूछ रही है सर हर बार माइनस वन करना पड़ेगा क्या आप देखो यहां पर माइनस वन नहीं करना पड़ा आपको खुद को दोस्तों दिमाग दिया ना भगवान ने आयोडीन नमक खा रहे हो दाल रोटी चावल कुछ तो खा रहे हो जो दिमाग में जा रही है आपको खुद को देखना है कि सात से ग्यारह में बारह से एक आता है क्या अगर नहीं आता है तो चिल करो और आता है तो माइनस वन कर लो इज दैट क्लियर आगे बढ़े क्या ओके लास्ट क्वेश्चन ऐसा करके दिखा रहा हूं जरा फटाफट से बताना लास्ट क्वेश्चन ऐसा करके दिखा रहा हूं जरा फटाफट से बताना शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्यूसडे 11 पीएम से सैटरडे सैटरडे 2 पीएम जीरो डिग्री कितनी बार शॉर्ट में बता दिया दोस्तों मंगलवार रात 11 बजे से शुक्रवार दोपहर शनिवार दोपहर दो बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनाएंगे या लंब या फिर वो कह सकते हैं कि मिलेंगे या अति व्यापित होंगे विल को इन साइड ईच अदर विल मीट ईच अदर अब इसका आंसर दोस्तों अगर थर्टी सेकेंड्स में नहीं आया तो तो दोस्त दोस्त आलिया भट्ट आपसे अच्छी है और अगर थर्टी सेकेंड में आ गया तो समझ लो दीपिका पादुकोण के लेवल के हैं आप लोग फटाफट से आंसर चाहिए हाँ अरुण सुरेश फटाफट आंसर दो विकास आंसर गौतम जितेंद्र आंसर चाहिए सुरेश शिवा दिव्या अक्षय अजय सुरेश गौरव विकास आंसर चाहिए है ना हाँ देखो बिल्कुल सही आंसर आने लग गया है दोस्तों का तिरसठ आंसर आया तिरसठ सिक्सटी थ्री आंसर आया है कालू का आंसर आया है सिक्सटी सेवन अजय का आंसर आया सिक्सटी थ्री ओके कौ, कौशिक का आंसर एटी नाइन देखते हैं चलो ट्यूसडे इलेवन पी एम से वेंसडे इलेवन पी एम से थर्सडे इलेवन पी एम से फ्राइडे इलेवन पी एम से सैटरडे इलेवन पी एम पर सैटरडे की तो इलेवन पी एम तक जाना ही नहीं है तो फिर सैटरडे 11 पीएम गलत लिख दिया मतलब दिन तो एक एक करके तीन दिन काउंट हो गए एक दिन एक दिन एक दिन या ना अब पूरा एक दिन मिलने का स्कोप तो नहीं है चेक करो बारह घंटे मिलने का स्कोप है क्या सर इलेवन पीएम से इलेवन एम बारह घंटे सर 12 घंटे और 11 ए एम से दोपहर के 12 और दोपहर के 12 से 2 पी एम ये एक घंटा और ये दो घंटा दोस्तों पहले तो खुशी खुशी एक दिन में बाईस बार एक दिन में बाईस बार एक दिन में बाईस बार बारह घंटे में ग्यारह बार चिपकाने में कोई कसर मत छोड़ो ये बाईस ये बाईस ये बाईस ये ग्यारह लिखने में कोई कसर नहीं छोड़नी है बात बचती है छुट्टों के वक्त पे जब वो एक घंटा या दो घंटा जैसी छुटकर चीजें लिखी है तब लोचा है मैंने बोला एक घंटे में एक बार दो घंटे में दो बार शर्त यह है कि एक्सेप्शन ना आए क्योंकि जीरो डिग्री में एक्सेप्शन होता है बारह से एक बजे का दोस्तों ग्यारह से बारह में बारह से एक नहीं आया तो ये एक तो करेक्ट है पर बारह से दो में बारह से एक आया तो इसलिए ये माइनस वन करना पड़ेगा पूरा दो नहीं आएगा एक ही आएगा तो अब देखो 22 प्लस बाईस फोर्टी फोर सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन इज दी करेक्ट आंसर सेवेंटी नाइन करेक्ट होगा साजिद खान सौ तक पहुंच गया है दोस्त आजकल तो विराट कोहली भी सौ तक नहीं पहुंच पाता साजिद तुम पहुंच गए हो मोहनलाल 68 कह रहा है जबकि आंसर 79 है सतेंद्र का आंसर करेक्ट है बायोलॉजी बाय भरत सिंह भाई तुम भरत सिंह हो ना तो बायोलॉजी वाला हटा दो यार क्या करोगे चैनल का नाम है तुम्हारा तो अच्छी बात है सेवेंटी नाइन इज दी करेक्ट आंसर ठीक है सर रोज़ क्लास नहीं चलती है अजय यादव मैं तो रोज़ क्लास लेता हूँ बीच में दो दिन छुट्टी पे था वो अलग बात है उसके अलावा रोज ही क्लास चल रही है कल भी हुई थी और हमेशा ही होती है अभी वर्मा बिल्कुल सही आंसर है पर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो कोई गम है जिसको छुपा रहे हो सेवेंटी नाइन दोस्तों कर लोगे अभी तक आपने एक ही स्पेशल एंगल की बात की है वो है जीरो डिग्री अब हम बात करेंगे वन डिग्री की किसकी बात करेंगे वन डिग्री की मतलब स्पेशल एंगल वाली चीज में अब बारी है दोस्तों एक सौ अस्सी डिग्री की एक सौ अस्सी डिग्री को क्या कहा जा सकता है कि दोनों काटे लंबवत हैं लंबवत बोले तो परपेंडिकुलर सॉरी दोनों कांटे विपरीत हैं विपरीत बोले तो अपोजिट या कह सकते हैं अधिकतम दूरी पर हैं अधिकतम दूरी पर हैं मोस्ट डिस्टेंट दोस्तों पहले तो मुझे बताओ कि क्या 180 डिग्री का मतलब आप जानते हो स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के अपोजिट होना जैसा कि वो एग्जैक्टली छः बजे होते हैं जैसा कि वो एग्जैक्टली छः बजे होते हैं ऐसे और भी कई मौक़ों पर होते होंगे कैसे कई मौक़ों पर होते होंगे सपोज करो दो बजी हैं अब दो ऐसे बचती हैं ये घड़ी का कांटा ऐसे घूम के जाएगा और लगभग पौने तीन बजे दोनों कांटे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आएंगे ना एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल बनेगा तो ऐसा हर घंटे में एक बार होता है दोस्तों। हर घंटे में एक बार हर घंटे में एक बार बारह से एक भी एक बार एक से दो भी एक बार दो से तीन भी एक बार तीन से चार भी एक बार पांच से छह भी एक बार हर घंटे में एक बार अगर हर घंटे में एक बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए पर 12 घंटे में ये भी कितनी बार होता है 11 बार ही होता है 12 घंटे में 12 बार नहीं होता क्यों 12 घंटे में 12 बार नहीं होता ज़ीरो डिग्री भी 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार ही होता था उसका रीज़न मैंने ये बताया था कि 12 से एक वाला टाइम ऐसा है जब दोनों कांटे नहीं मिलते तो वैसे ही दोस्तों यहाँ भी छः से सात बजे छः से सात बजे दोनों नहीं मिलते दोनों काटे 180 डिग्री पे नहीं आते समझ रहे हो भाई हर घंटे में एक बार होता है पर 12 घंटों में से एक घंटा ऐसा है छह से सात बजे वाला जब वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आते हैं इसलिए बचे हुए 11 घंटे में एक एक बार यानी 12 घंटे में 11 बार अब सिंपल सी बात हो गई भाई 12 का डबल 24 घंटा 24 घंटा यानी एक दिन तो 11 का डबल 22 बार सब कुछ वैसा का वैसा है बस दोनों कांटों का मिलना कौन से घंटे में नहीं होता था 12 से एक में नहीं होता था और दोनों कांटों का अपोजिट होना छह से सात में नहीं होता अब आपको ये लग सकता है कि सर भूल जाऊंगा कौन सा कब नहीं होता तो दोस्त एक बात बताओ जब दोनों कांटों का एक दूसरे से मिलना सोचते हो तो कितनी बजे का टाइम दिमाग में आता है 12 बजे का टाइम दिमाग में आता है कि दोनों कांटे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं तो जो सबसे बेस्ट टाइम है मिलने का उसका एग्जैक्टली exactly बाद वाला एक घंटा यानी 12 से एक दोनों कांटे नहीं मिलते दोस्तों दोनों कांटों का अपोजिट होना सोचते ही दिमाग में कितनी बजे का समय आता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं छः बजे का यानी दोनों कांटों का अपोजिट होना 6 बजे बेस्ट एग्जाम्पल है तो उसके अगला घंटा यानी सिक्स टू सेवन 6 से सात बजे दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं समझ में आ रही है बात इस तरह से आप याद रख सकते हो ये पॉइंट आपको समझने हैं और याद रखने हैं अब क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आपको अभी करवाया दोस्तों मैंने क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना के टुडे, टुडे एट ए एम टू टुमोरो टूमोरो फाइव पी एम कितनी बार दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होंगे यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोस्तों जो टाइम के टुकड़े आपने जीरो डिग्री के वक्त पे किए क्या उसको यहां पे भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली करना पड़ेगा और तरीका वो का वो रहेगा कैलकुलेशन भी वो की वो रहेगी ध्यान बस रखना है कि छह से सात बजे का टाइम बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है अब आप टुकड़े थोड़ा ध्यान से कीजिए आज आठ बजे आज आठ बजे, बजे। सुबह की मुझे बताओ फाइव पी बोल रहा है मतलब शाम की पांच बजे बोल रहा है तो कल की कल की सुबह आठ ए एम तो हो जाएगी मतलब क्या हो गया एक दिन हो गया हाँ या ना अच्छा कल की शाम की आठ बज जाएंगी या उससे पहले रुकना है सर उससे पहले रुकना है फाइव पी एम पर रुकना है सर मतलब सुबह आठ से दोपहर की बारह और दोपहर की बारह से शाम की पाँच बज जाएंगी ये तो हो गया एक दिन बारह घंटे नहीं हुए ये हुए चार घंटे और ये हुए पाँच घंटे दोस्तों आपसे कह रहे हैं ज़ीरो डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री में ये चेक करना कि कहीं छः से सात का टाइम तो नहीं आ रहा पर चेक भी कब करना जब छुट्टे घंटे बचे हो चार घंटा आठ घंटा पांच घंटा एक दिन में तो बाईस बार होता है ये तो रटना है एक दिन में कितनी बार होता है और बारह घंटे में कितनी बार होता है ये तो आपको याद रखना है अब आठ से बारह जो ये चार घंटे हैं उसमें जरा ये सोचो कि क्या इसमें सिक्स टू सेवन वाला घंटा आ रहा है छह से सात वाला घंटा आ रहा है तो आप कहोगे सर 8 से बारह में नौ दस ग्यारह बारह छह से सात नहीं आ रहा तो इन चार घंटों में चार बार हर घंटे में एक बार होता है और इन पांच घंटों में भी पांच बार या एक कम तो आप कहेंगे सर बारह से पांच बारह से पांच में छ से सात नहीं आता एक दो तीन चार पांच छह सात तो उसके बाद आएगा तो इन पांच घंटों में पांच बार कुछ माइनस नहीं करना है 22 4 26 26 5 31 और ये 31 आपका करेक्ट आंसर है कुछ दोस्तों ने 30 दिया है कुछ दोस्तों ने 31 दिया है ज्यादातर लोगों का आंसर 31 आया है जो कि शत प्रतिशत आ, करेक्ट होगा हाँ या ना अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं दोस्तों एक बार कमेंट करके बताओ कि इस इस सैटरडे को यानी शनिवार को शाम को एक मैराथन क्लास ले लें क्या आप सब लाइव जुड़ेंगे तो बताओ सैटरडे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली मैराथन क्लास ले लें क्या अगर आप लोग कहोगे और जुड़ने का वादा करोगे तो शनिवार को दोस्तों मैं निर्मल सर से आज्ञा लेकर आपको शाम को शनिवार को एक मैराथन क्लास लगाने की कोशिश करूंगा शनिवार नहीं तो रविवार नहीं तो मंडे आने वाले कुछ दिनों में एक आ, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी से बार बार हर कुछ दिन में रात के समय आठ से दस या सात से नौ शाम को अगर आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे बताएं आपको जुड़ना पड़ेगा क्योंकि लाइव काउंट कम होते ही ना दोस्तों टीचर की बैटरी डर 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 खत्म हो जाती है सामने दिखता है चार हजार बच्चा पांच हज़ार बच्चा जैसे कुमार गौरव की सर में बीस हज़ार से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं है ना करंट अफेयर्स की क्लास का महत्व खैर इतना जरूरी है अगर वो लाइव काउंट रहेगा मेरी क्लास का चार पांच छह हजार तो मजा है नहीं तो दोस्तों मेरे लिए वो दो घंटे निकालना बहुत भयंकर होने वाला है यस 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 तो बोल रहे हो इन सबके नाम नोट कर लेना कमेंट वाली टीम और अगर ये उस मैराथन क्लास में नहीं जुड़े तो इनके घर पे डंडे भेजना और डंडे मारने के लिए एक आदमी भी भेजना जो इन सबको सुझा दे अगर ये लोग क्लास से नहीं जुड़ेंगे तो खैर ये आपको समझ में आया अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं ठीक है एक बार फटाफट से दोस्तों आ, कमेंट में कर दो जय हिंद जय भारत ताकि भारत माता की जय बोलकर आपको पता ही होगा आज वायुसेना दिवस है उस वायुसेना दिवस की आपको दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं वायुसेना हमारे देश की शान है आन है बान है रफेल जब से उसमें जुड़ा है तो उसकी ताकत और बढ़ गई है उससे पहले भी हम किसी चीज में कम नहीं थे अभिनंदन जैसे बहुत सारे वायु सैनिक इस देश का मान हमेशा बढ़ाते हैं और मैं आप सबके माध्यम से पूरे उत्कर्ष के माध्यम से वायुसेना को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपको भी देता हूं और इसी बात पे दोस्तों जय हिंद लिख दो फटाफट से यस जय हिंद बोल दिया सबने ओके okay, क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन सुनो मंडे फोर पी एम से फ्राइडे फ्राइडे एट ए एम आपको बताना है 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा हाउ मैनी टाइम्स विल बोथ दी हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर हाउ मैनी टाइम्स विल बोथ दी हैंड्स भी अपोजिट टू ईच अदर दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे इसका आंसर मुझे चंद सेकंड में चाहिए पंद्रह बीस सेकंड में नहीं आया दोस्तों तो जिस कमरे में बैठे हो उसी के कोने में जाके मुर्गा बनना और ज़ोर से कुकड़ू कू भी बोलना ठीक है फटाफट से दो आंसर दो फटाफट से दो का मतलब अंडे दो नहीं फटाफट से दो का मतलब फटाफट से आंसर दो भवर सिकंदर खेमू सुरेंद्र मोहित शांत सोनू रमवीर निर्मा निर्मा अरुण अशोक एसपी सिंह यादव अरुण बंसीवाल कुलदीप लूनी देवी जगदीश पिंटू आशीष भोरेलाल मनोज शंकर निर्मा सोनू राम रामनरेश सोनू शिवम संत लाल यादव शिव कुमार महेंद्र कुमार मोहित चौहान मोहित चौहान ये वो आ, सिंगर है क्या मोहित चौहान है नरेंद्र कुमार सुरेंद्र खेमचंद कानाराम आंसर दो फटाफट आंसर 84 आया है क्या 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर है रविंद्र और अजय अजय राज का चेक करते हैं चेक करते हैं मंडे शाम की चार ट्यूसडे शाम की चार वेंसडे शाम की चार थर्सडे शाम की चार फ्राइडे शाम की चार अरे नहीं सर शाह फ्राइडे को तो सुबह ही रुक जाना है मैंने कहा ठीक है अच्छा मतलब 24 घंटे की तलाश इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी चौबीस घंटे की तलाश इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी तो बारह घंटे मिल जाएंगे क्या फोर पी एम से फ़ोर एम अगले दिन सुबह की चार बजेंगी आपने बोला हाँ सर आठ बजेंगी तो चार तो बजेंगी ही तो ये फ़ोर ए एम हो गया थर्सडे की जगह फ्राइडे का ये हो गए बारह घंटे और फोर एम से एट एम चार घंटे छुटकर टेंशन सिर्फ़ वो चार घंटों की वजह से हो सकता है ये बारह घंटे और ये एक दिन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों एक दिन में 180 डिग्री 22 बार होता है 22 बार होता है 22 बार होता है और बारह घंटे में ग्यारह बार होता है इसकी फ़िक्र तो करना मत फ़िक्र ये चार घंटों की ही करनी है दोस्तों 180 डिग्री में जो एक्सेप्शन अपवाद होता है वो सिक्स टू सेवन वाला होता है क्या बारह क्या चार से आठ में क्या चार से आठ के दौरान सिक्स टू सेवन आता है सर पाँच छः सात हाँ सर सात छः से सात तो आएगा सर तो ये चार घंटे में चार बार नहीं चार घंटे में चार माइनस एक तीन बार ही होगा बाईस प्लस बाईस फोर्टी फोर सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सेवन और तीन एट्टी इज़ दी करेक्ट आंसर ये एटी फोर वाले मेरे दोस्त कौन हैं ये 84 फोर वाले मेरे दोस्त कौन हैं अस्सी आंसर आना चाहिए आई होप वो 84 फ़ोर वाले दोस्त समझ चुके होंगे कि आंसर 84 फोर है 80 है एटी फोर नहीं है अरे सब लोग का आंसर 80 आना चाहिए वीरेंद्र कुमार तुम्हारा आंसर 81 आया है और वीरेंद्र कुमार जैसे मेरे और भी दोस्तों का आंसर 81 आया होगा अरे ये चार से आठ में सिक्स टू सेवन आएगा क्या भाई पिछले क्वेश्चन में बारह से पांच में सिक्स टू सेवन नहीं आया था तो ये पूरा पांच लिखा आपने पर इस बार चार से आठ में सिक्स टू सेवन आएगा इसलिए आप चार नहीं चार माइनस एक तीन लिखोगे और योर आंसर इज एट्टी क्लियर है वेरी नाइस परफेक्ट 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 ओके एक और क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन देखो ट्यूसडे रात 11 बजे से थर्सडे यानी गुरुवार थर्सडे सुबह नौ बजे दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे यानी अपोजिट होंगे अब इसका आंसर चुटकियों में लास्ट आंसर दे दो दोस्तों फिर आज की क्लास में आपको एक दो छुटकर होमवर्क देकर जाऊंगा जो कि कल की क्लास में लौटते ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंसर चाहिए क्या होगा सर पॉलिटिक की क्लास क्यों नहीं होती है जवाब दीजिए सर टेक्निकल टीम से बात करो सर एक बार जो कमेंट मेरे देख रहे हैं हमारी उत्कर्ष की टीम के जो लोग कमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं जरा पता करो कि इनकी पॉलिटी की क्लास एन की चल रही है या नहीं चल रही है और वो जानकारी मुझे तुरंत प्रदान कीजिए ताकि मैं बच्चों को आगे दे सकूँ <coughs> ये आंसर आ गया क्या सुन रहे हैं बाहर कमेंट टीम बताओ पॉलिटी की क्लास का क्या सीन चल रहा है मुझे इनको, इनको इन्फॉर्म करना है ट्यूसडे को ग्यारह रात की से थर्सडे की सुबह ग्यारह करो दोस्तों अगर आपने कर लिया तो दिल जीत लोगे दिल जीत लोगे ट्यूसडे इलेवन पी एम से वेंसडे इलेवन पी एम से थर्सडे इलेवन पी एम पर थर्सडे की तो इलेवन पीएम है ही नहीं नाइन ए एम ही हुआ है मैंने कहा कोई बात नहीं अच्छा चौबीस घंटा यानी एक दिन तो एक ही बार मिला दोस्तों बारह घंटे तो मिल जाएंगे ग्यारह ए एम हो गया क्या नहीं सर ग्यारह ए एम भी नहीं हुआ है सुबह की नौ ही तक रुकना है मैंने कहा ठीक है भाई ग्यारह पी एम से एक घंटे बाद रात की बारह बज जाएंगी और रात की बारह के बाद सुबह की नौ बज जाएंगी थर्सडे यानी गुरुवार की ये एक घंटा है और ये नौ घंटे हैं एक दिन में बाईस बार एक दिन में बाईस बार जब ये छुटकर एक घंटा नौ घंटा पांच घंटा छह घंटा बचता है तब टेंशन है दोस्तों 180 डिग्री में एक्सेप्शन है सिक्स टू सेवन वाला क्या 11 से 12 में सिक्स टू सेवन आया सर नहीं 11 से 12 तो बस घंटा एक हो गया तो इस घंटे में एक बार और बारह से नौ नौ घंटे होते हैं उन नौ घंटे में नौ बार हो गया एक एक बार करके नौ बार हो गया या एक्सेप्शन है आप कहेंगे सर बारह से नौ बजाऊंगा तो बीच में छह से सात भी बजेंगी सर यानी नौ घंटों में पूरा नौ बार नहीं आठ बार ही होगा बाईस प्लस एक तेईस प्लस आठ थर्टी वन इज द करेक्ट आंसर और जिनका आंसर थर्टी वन नहीं आया है वो मुर्गा बनने के लिए रेडी हो जाएं गौरव सचिन अवदेश निखिल निखिल तुम्हारा आंसर ट्वेंटी नाइन क्यों आ रहा है है ट्वेंटी नाइन क्यों आ रहा है बताओ प्रशांत सर ये बजे तक और मध्य का क्या फर्क है कोई फर्क नहीं है भाई इतना कंफ्यूजन मत पा लो तुम कि छह बजे तक पांच से छह बजे के मध्य एक ही बात है ना तुमसे मुझ तक मतलब बीच में ही तो है और क्या है लफड़े मत पा लो इतना कुछ नहीं कोई फर्क नहीं है अभी फिलहाल तो थर्टी वन इज द करेक्ट आंसर आई होप मैं अपनी बात सब तक पहुंचाने में सफल रहा हूं ठीक है नेहा पूछ रही है सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस जब आप लोग चाहें तब कंप्लीट कर दें अभी पढ़ना छोड़ दें अभी कंप्लीट हो जाए कल पढ़ना छोड़ दो कल कंप्लीट हो जाएगा वैसे मेरा प्लान ऐसा है कि इस महीने के लगभग बीस तारीख तक मतलब ट्वेंटियथ ऑफ अक्टूबर तक मैं सारे टॉपिक करवा दूँ और उसके बाद फिर हम पुराने पेपर्स न्यू मॉडल पेपर्स वगैरह सब कुछ लेकर आ सके है ना फटाफट से लिखे दोस्तों पॉलिटी की क्लास इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पॉलिटी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है क्लियर है या नहीं ओके चलिए होमवर्क वाले क्वेश्चन देते हैं दोस्तों फिर आज की क्लास को खत्म करूंगा जरा देख लो जरा देख लो क्वेश्चन है क्वेश्चन है मैं प्रातः अपने घर से निकलकर दस मिनट पैदल चला फिर पांच मिनट बस का इंतजार किया बस का इंतजार किया फिर बस में बैठकर कर मिनट बाद अपने ऑफिस के पास एक स्थान पर उतरा और नौ मिनट पैदल चलकर नौ मिनट पैदल चलकर ऑफिस पहुंचा ऑफिस ठीक नौ बजकर तैतीस मिनट पर पहुंचा मैं घर से किस समय निकला एक क्वेश्चन और दे रहा हूं एक घड़ी एक बजे एक बार दो बजे दो बार व इसी प्रकार बारह बजे बारह बार बजती है वह एक दिन में कितनी बार एक दिन में कितनी बार बजती है सो so गाइज ये दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क है उम्मीद करता हूँ कल जब लौटूंगा तो इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ में आप और मैं एक दूसरे से मिलेंगे मेरे जाने के बाद भी स्क्रीन पर लिखे हुए क्वेश्चंस आपको अगले एक मिनट तक दिखाई देंगे उन्हें अच्छे से लिख लेना इनफैक्ट हाथों हाथ सॉल्व कर लो तो और भी ज़्यादा बधाई के पात्र आप हैं अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए नए नए क्वेश्चन नए नए टॉपिक्स के साथ लगातार आपके सामने आता रहूँगा बाय बाय अ नाइस डे